Assalamualaikum students, I hope you all are fine. और टेस्ट देके आप लोग घर पहुँच चुके हैं. वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश. इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजेज एंड क्लॉजेज. तो हमने देखा था कि फ्रेजेज और क्लॉजेज में डिफरेंस क्या है, और हमने इंट्रोडक्शन दिया था टाइप्स का. हमने उसमें उनके नेम्स देखे थे, और साथ में हमने डिस्कस किया था नाउन क्लॉजेज का. हम एक बार फिर से उनको देखेंगे. हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फ्रेज़ क्या होता है. हमने देखा था कि फ्रेज़ इट डज़ नॉट कन्वे कम्प्लीट मीनिंग, वो कम्प्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता एंड प्लेज द रोल ऑफ ओनली वन पार्ट ऑफ स्पीच, और सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है. एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इन द प्ले ग्राउंड, अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. यह हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं. फिर हमने देखा था क्लॉजेस क्या होते हैं. क्लॉजेस कन्वेज, अ क्लॉज कन्वेज कम्प्लीट मीनिंग, वो कम्प्लीट मीनिंग कन्वे करता है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कम्प्लीट सेंटेंस, ये हमें कम्प्लीट सेंटेंस की फॉर्म में मिलता है, लेकिन हम इसको कम्प्लीट सेंटेंस नहीं कहते. कैसे नहीं कहते, हम एग्जांपल देख लेते हैं. ही लाइक्स टू अटेंड पार्टीज बट ही इज़ नॉट फ्री इन नेक्स्ट वीक. हमारे पास इस सेंटेंस में दो आइडियाज़, एक ही सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज़ कन्वे हुए हैं, और बीच में हमने कंजंक्शन यूज़ किया है. तो जब हम कंजंक्शन का यूज़ करके एक से ज़्यादा आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, तो वो एक सिंगल आइडिया, बेसिकली एक सिंगल क्लॉज होता है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमारे पास है, वी हैव बीन हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स एज दे आर इन क्राइसिस. तो वी हैव बीन हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स एक हमारे पास आइडिया, और दे आर इन क्राइसिस सेकेंड आइडिया है. तो इस तरह हमारे पास इस सेंटेंस में भी टू क्लॉजेस मौजूद हैं. फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमारे पास जो है वो फाइव टाइप्स थी, नाउन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, और हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेजेस थी. हमने सबसे पहले देखा था नाउन फ्रेजेस का. नाउन फ्रेजेस में हमने देखा था कि इट प्ले द रोल ऑफ अ कम्प्लीट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कम्प्लीट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर में हमारे पास ये उनका रोल प्ले करती हैं. द ओनली टाइप दैट डज नॉट हैव अ प्रपोजिशन इन इट. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फ्रेजेस की टाइप्स हैं, उनमें से सिर्फ एक सिंगल नाउन फ्रेज ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता. हमने देखा था कि नाउन फ्रेज किस किस जो है वो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है. आर्टिकल प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, पोजेसिव प्लस नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है. इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बताया था, वो बताया था कि इन सारे जो हमारे पास नाउन फ्रेजेज होते हैं, जिस भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जो उसका एक्चुअल नाउन है, उसको हम उसका हेड कहते हैं. वो हेड होता है फ्रेज का. नेक्स्ट टाइप जो हम देखेंगे वो हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स की है. फ्रेजल वर्ब्स क्या है, दिस प्ले द रोल ऑफ अ कम्प्लीट वर्ब. जैसे नाउन फ्रेज हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था, ऐसे फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब का रोल प्ले करता है. किस फॉर्म में होता है, वर्ब के बाद में हमें एक प्रपोजिशन लगी हुई मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, लुक आफ्टर, लुक हमारे पास वर्ब है और आफ्टर हमारे पास प्रपोजिशन है. ऐसे ही बिलीव इन में इन प्रपोजिशन है और बिलीव वर्ब है. तो पहले वर्ब और उसके बाद में हम एक प्रपोजिशन लगा देते हैं, और वो पूरा कंप्लीट जो है वो एक मतलब कन्वे कर रहा होता है. दोनों मिलके एक मतलब कन्वे कर रहे होते हैं, तो हम इनको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेजेस जो है उसमें क्या होता है कि इट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स नाउन. ये हमारे नाउन को या हमारे मतलब डिस्क्राइब करता है या फिर उसको एक्सप्लेन करता है. अब एडजेक्टिव हमारे पास नाउन फ्रेज के अंदर भी तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट्स विद प्रपोजिशन राइट आफ्टर इट्स नाउन. जिस नाउन को वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, उस नाउन के बाद में एक प्रपोजिशन लगा होता है, और प्रपोजिशन के बाद आगे एक्सप्लेनेशन होती है या डिस्क्रिप्शन होती है. हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस द डिसीजन ऑफ द जजेस. अब डिसीजन हमारा मेन नाउन है जिसको आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है. हमने लगा दिया प्रपोजिशन ऑफ का, और उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन लगा दी. किसका डिसीजन, जजेस का डिसीजन. तो ऑफ द डिसीजंस, प्रपोजिशन से जो पार्ट स्टार्ट होता है, प्रपोजिशन वाला पार्ट जो है हमारा, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. इसमें हम नाउन वाले पार्ट को, नाउन फ्रेज वाले पार्ट को काउंट नहीं करते. तो ऑफ द जजेस, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, इन द रेयर, ये हमारे एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. देन वी हैव एडवर्बियल फ्रेजेस. एडवर्ब्स बेसिकली हमारे पास जो है
एडवर्ब की टाइप्स में तीन ऐसी टाइप्स हैं जो फ्रेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होता है हमारे पास, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस होता है, और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर होता है। अगर हमें टाइम, प्लेस और मैनर ये तीनों जो है वो बातें एक फ्रेज की फॉर्म में दी हों, मतलब एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में ना हो, तो हम उनको एडवर्बियल फ्रेजेस कंसिडर करते हैं। जैसे इन द मीनवाइल, एट मॉर्निंग, ऑन डिसम्बर 20th, ये हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। स्टार्ट किससे हो रहे हैं, प्रपोजिशन ही से शुरू हो रहे हैं और हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस में इन द मार्केट, एट द स्टेशन, ऑन द टेबल है, और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर में हमारे पास एग्जांपल है इन अ बैड मूड, विद अ स्माइल, एट अ गुड स्पीड। अगेन हमें मैनर बताया हुआ है लेकिन प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। लास्ट जो हमारे पास आती है प्रपोजिशनल फ्रेज। अब हमारे पास हमने कहा कि नाउन फ्रेज के अलावा बाकी सारी जो है वो फ्रेजेस के टाइप्स में जो है वो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, लेकिन हम उसको प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं कहते। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हमारी कौन सी होती हैं इन सारी टाइप्स के अलावा, ये सारी चीज़ें जो इन टाइप्स पे इंडिकेट हो रही थी, इसके अलावा अगर प्रपोजिशन के बाद कुछ आ जाए तो हम उसको सिंपली प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। फॉर इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सिंपली हमें हमारे सेंटेंस के अलावा जो है, सेंटेंस में मेन आइडिया कंप्लीट होने के अलावा हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, एंड डज नॉट प्ले अ पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट इसके बगैर भी, प्रपोजिशनल फ्रेज के बगैर भी कंप्लीट हो रहा होता है, ये सिंपली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल हमारे पास है आई वेंट टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। तो आई वेंट टू प्ले क्रिकेट में हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किसके साथ खेला, विद माई फ्रेंड्स। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना हमें प्लेस दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है, ना मैनर दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिडर किया जाता है। अगेन स्टार्ट प्रपोजिशन से होगा लेकिन विद माय फ्रेंड्स, जो इटैलिसाइज्ड फॉर्म में है, पूरा का पूरा ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे ही सलमान हैज़ बीन टीजिंग हर सिस्टर फॉर हर मिस्टेक्स। फॉर हर मिस्टेक्स जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टाइम प्लेस मैनर के अलावा कुछ आ रहा है सेंटेंस के पार्ट के बाद, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।